कारवां टीवी हर पल आपके साथ। बुझ गया घर का इकलौता चिराग, नौ बहनों में था अकेला भाई, लंबे समय से लड़ रहा था जिंदगी और मौत की लड़ाई। जिला बरेली के नवाबगंज के गांव हरदुआ के फैतुल्ला में शमशाद हुसैन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ईंट भट्टे पर मजदूरी किया करते थे। उनकी नौ बेटियां हैं और एक बेटा है। हाल ही में उनकी बीबी का बीमारी के चलते देहांत भी हो गया। तब बड़ी मुश्किल से परिवार गम से बाहर निकला था कि अचानक एक और बड़ा हादसा हो जाता है। जब परिवार रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश में निकला, तब रास्ते में पंजाब के जिला लुधियाना के पास एक बड़ा हादसा हो जाता है। जिस बस में वह सारे मजदूर बैठे थे, उसी बस में शमशाद हुसैन का परिवार भी बैठा था। अचानक ड्राइवर की आंख लग जाने से गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ जाती है और अचानक बस पलट जाती है। बस पलटने से शमशाद हुसैन का इकलौता बेटा इरशाद हुसैन बस के नीचे दब जाता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पैर की चोट का ऑपरेशन अभी भी बाकी था। परिवार के पास इसके लिए पैसे नहीं थे। तब कारवां टीवी और गांव के लोगों ने और पड़ोसी गांव रिछोला के फैतुल्ला के लोगों ने दरियादिली दिखाते हुए बच्चे के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया। जिस खबर को कारवां टीवी ने प्राथमिकता से उठाया था, तभी कारवां टीवी की खबर सुनकर नगर के एक व्यापारी और भाजपा नेता के कार्यालय मंत्री संतोष गुप्ता और शंकर रेस्टोरेंट के मालिक हिमांशु राठौर जैसे कई दानवीर मदद के लिए आगे आए। लेकिन रात में एक मनहूस खबर सुनने को मिलती है कि इरशाद हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिससे पूरे गांव में गम का माहौल छा जाता है। गांव के ही अलीमन नेताजी ने और ग्राम प्रधान इरशाद अंसारी व पत्रकार मोहम्मद सलीम ने बताया, ये गरीब परिवार बेहद लाचार और परेशान परिवार है, जिससे पूरे गाँव ने उनकी मदद की थी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था, जिससे इरशाद हुसैन की मौत हो गई, जिससे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज शमशाद हुसैन के इकलौते बेटे इरशाद हुसैन को गांव के ही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया और वह हमेशा के लिए दर्द से आजाद हो गया। लेकिन ये तो तय है, जिस घर का इकलौता चिराग बुझ गया हो, उस घर में दिए कैसे जल सकते हैं। उस घर में अब अंधेरा ही अंधेरा बचा है। अब देखते हैं कुदरत इस घर को किस तरीके से रोशन करेगी, ये तो खुदा ही जानता है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नईदुकुम व मिनहा नखरजुकुम तारत नुखरा। मुशाहदा मुशाहदा, ये बताओ ये कौन थे आप? मेरा भाई है। अच्छा, रात क्या हुआ था, कैसे तबीयत बिगड़ी थी, कितने बजे की बात है? उसके कम से कम 12 बजे से पलटी आ रही थी खून की। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके हाथ पैर ठंडे हुए। अच्छा, कितने बजे दम तोड़ दिया इन्होंने? इन्हें कम से कम 12 बजे। 12 बजे दम तोड़ दिया। किस चीज़ से परेशान था ये, किस चीज़ का शिकार हुआ था? इसके इसके पेट में कुछ था, इसके पेट में शीशा उसा था, हुआ था। हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। लोगों की मदद की गई थी? हाँ, मदद की गई थी। कितने भाई बहन हो? हम उससे काका तो 8 महीने होंगे, एक भाई है। ये अकेला भाई था? हाँ, अकेला भाई है। आपके पिता क्या करते हैं? जो भट्टे का काम करते हैं। बाकी कितने बच्चे बचे हुए हैं बिना शादी के लिए? बिना शादी के 4 बच्चे हैं। तो जो चोट लगी थी, तो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चों को भी चोट लगी? हाँ, सबके चोट लगी है। कितने बच्चों को चोट लगी थी बेटा? जी है, एक जाए और एक बड़ा बिना। मतलब कुल मिलाया कितने बच्चों को चोट लगी थी? 3 बच्चों को। 3 बच्चों को? 3 के 4 4 के। 4 बच्चों को चोट लगी थी। ये लड़का ज्यादा घायल है? हाँ, ये लड़का ज्यादा घायल है। हॉस्पिटल ले गए थे आप? हाँ हाँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम जी, जानना चाहेंगे ये वाकया हुआ है, ये वारदात हुई है, किस तरीके की वारदात थी और क्या हुआ था इसके साथ? देखिए, ये कहीं काम से जा रहे थे भट्टे कश्मीर, वहाँ पर रास्ते में हादसा हुआ था बस से, जिसमें इस बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसके पेट में सीसा काफ़ी अंदर चला गया था। तो इसका ऑपरेशन हुआ था हाथ का, और पैर भी इसका काटने की नौबत आ चुकी थी लगभग। तो यह है कि बचने की कंडीशन भी नहीं था फिलहाल तो, लेकिन फिर भी गाँव के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और आपके माध्यम से भी इसकी आवाज़ उठती रही, कारवां टीवी इसकी आवाज़ उठाता रहा है, और उसको लोग मदद के लिए भी पहुंचे आपके इस आह्वान पे। आपने जिस तरीके से लोगों को प्रेरित किया, ये खबर दिखाई थी, ये चलाई थी, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है फिलहाल तो कोशिशें ज़्यादा विफल ही रहीं गाँव वालों की भी बहुत सारी, और आपने भी जो माध्यम से अपनी कारवां टीवी के माध्यम से जो आवाज़ उठी थी,
फिलहाल अफसोस है इस बात का, पूरे गांव को अफसोस है, सभी लोग गमजदा हैं, पूरे यहां पर सब बस्ती के लोग बैठे हुए हैं। कितना साल का बच्चा था और कितनी बहनों का भाई था ये? ये 8 बहने हैं इनकी, 9 बहने हैं और ये अकेला भाई था, और लगभग ऐसे ही 15-16 साल का लड़का था। गरीबी किस तरीके से है इस घर में? गरीबी देखिए, गरीबी तो जब मजदूरी में इस परिवार पूरा पला बड़ा है और भट्टे पे काम करते हैं, अकेले कमाने वाले हैं इनके पिता, तो बस कहने की स्थिति कुछ बनता नहीं है फिलहाल, तो समझदार सब लोग समझाते हैं कि फिर क्या स्थिति होगी। अली अहमद, कौन सा काम है? हरदुआ के फातुल्ला। नेताजी ये बताइए, ये लड़का जो था कितने दिनों से बीमार था? बीमार तो ये 17 दिन हो गए लगभग, 16-17 दिन हो गए, जिसको एक्सीडेंट हुआ था। क्यों एक्सीडेंट हुआ था? उसके इलाज के लिए हम सब बस्ती वालों ने, इसकी मुफसली और गरीबी देख के सब गांव वालों ने मदद की है, इलाज कराया, लेकिन जब भी अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, समझ गए, उसका रात 11 क्या दो बजे के टाइम इंतकाल हो गया। कितने बहनों में? करीब 8 बहनों के साथ, 8 बहनें हैं, जो भी इतना गरीब है अकेला भाई। और अकेला भाई था, एक ही चिराग था। अच्छा। गरीबी किस तरीके से? गरीबी तो ऐसी है कि इनको तो आज मिल जाए तो कल को नहीं खाने को। हम बस्ती वाले सब मिलकर इस चीज को बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि एक ही चिराग है जो दुनिया से उसका छीन लिया गया। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।